मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज आपका भाई बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन लेकर आया है जिसे आप YouTube के चैनल के लिए लोगो कैसे बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताने वाला हूँ। यदि इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको अच्छी तरीके से YouTube लोगो बनाना आ जाएगा। यदि आप यूट्यूब क्रिएटर है तो आपको यूनिक लोगो की ज़रूरत होती है जिससे आपका जो भी चैनल है अट्रैक्टिव लगता है। तो चलिए वीडियो को देना करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए सर जी, मैं आपको लोगो बनाना सिखा देता हूँ। सबसे पहले प्ले स्टोर में आ जाएंगे और इसमें लिखेंगे, प्ले स्टोर में आएंगे कैनवा। जैसे ही कैनवा लिखते हैं, इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। तो मेरे में इंस्टॉल है तो इसे मैं अपडेट कर लेता हूँ। आप इसको इंस्टॉल करने के बाद ओपन करते हैं। ओपन के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आता है। ओपन कर लेते हैं तो आप मेल आईडी डाल के इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो इसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा और बहुत सारा टेम्पल देखने को मिलेगा। प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो बहुत सारा कुछ देखने को मिलेगा। पोस्टर बना सकते हैं। तो यहाँ पे पोस्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लोगो दिख जाएगा, लोगो पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप लोगो पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको। जैसे ही आप लोगो पे क्लिक करते हैं तो इसमें आपको अलग अलग सर्कल देखने को मिलेगा। जो भी आपको सर्कल पसंद है आप आसानी से चूज करेंगे और आसानी से लिखेंगे। चलिए ये वाला सर्कल हमको पसंद है तो ये वाला सर्कल मैं इसको ले लेता हूँ, कैप थिंग्स। उसके बाद इसको अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने के बाद देख सकते हैं आपके सामने ये पूरा डेस्कटॉप आ जाता है। अब इसमें आपको रिफ्लेश करना है तो रिफ्लेश पे क्लिक करेंगे। तो अगर आपको दूसरा लेना है तो यहाँ से रिफ्लेश भी डाल सकते हैं, अगर नहीं लेना है तो बैक आ जाइए। चलिए राइट, ये वाला ठीक है हमारा, इसको मैं रिप्लेस नहीं करूँगा। तो चलिए मैं इसको लोगो बनाना सिखाता हूँ। यहाँ पे कलर पे क्लिक करके और दूसरा कलर भी ले सकते हैं आप, जो आपको जो भी पसंद है कलर। ये वाला पसंद है कलर तो ये वाला ले लीजिए, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग कलर को चूज कर लीजिए। हमको ये वाला पसंद है तो ओके पे क्लिक करता हूँ तो आपका कलर भी मेंशन हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे एनिमेट पे क्लिक करेंगे तो आपको जो भी टाइटल वगैरह लिखना होगा आप आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपको मैजिक एनिमेट चाहिए, कौन भी एनिमेट चाहिए, तो चलिए इसको समझिए बाद में। सबसे पहले इसमें मैं कुछ लिखूँगा, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो एड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आफ्ताब के सपोर्ट, आफ्ताब शाह के सपोर्ट। तो इसमें लिखेंगे आफ्ताब शाह, जो हमारा चैनल का नाम है आफ्ताब शाह के सपोर्ट। तो इसको सर्च कर लेंगे और इसको सर्च पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं थोड़ा ही समय के बाद यहाँ पे आपको फ्रंट दिया जाएगा जी। आप किस मतलब आपको जो भी फ्रंट लिखे हैं उसको आपको फॉन्ट देना है कि नहीं, तो फॉन्ट दूंगा मैं, और फॉन्ट नहीं देंगे तो ख़राब हो जाता है, फॉन्ट दे देना चाहिए। तो यहाँ पर ये वाला फॉन्ट दे देता हूँ मैं, तो देख सकते हैं आफ्ताब शाह के सपोर्ट लिखा गया। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी आपको लोगो बनाना है इसको आप अच्छी तरीके से एडजस्ट करेंगे और इसमें एलिमेंट डाल देंगे, जो भी आपको लोगो चाहिए सर्कल में चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। बहुत सारा इसमें टेम्पलेट दिया है जो आप यूज कर सकते हैं। तो बैक आइए, हमको ये इतना ही ठीक है। तो इसको आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आप इसको और ऊपर नीचे कर सकते हैं। चलिए हमारा यहाँ हो गया आफ्ताब शाह के सपोर्ट, अभी हमारा एमएच तैयार हो गया, जो भी हमारा लोगो है क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर लेंगे तो हमारा जो भी आप MP4 है वीडियो है, तो इसमें आपको PNG वगैरह चाहिए तो GIF PNG चाहिए हमको, JPG PNG, तो डाउनलोड पे क्लिक करके आप जो भी लोगो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कैनवा से अपना जो भी लोगो बनवा सकते हैं और अपने हाथों से बना सकते हैं। देख सकते हैं हमारा यही लोगो बहुत ही अच्छा लग रहा है आफ्ताब शाह के सपोर्ट। तो आप अपने कहीं भी शेयर कर सकते हैं और अपने प्रोफाइल में मतलब अपने यूट्यूब चैनल में लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर नया स्टेप के साथ मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।